हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। और फाइनली आपके सामने एक मारुति की यानी मारुति सुजुकी की डिज़ायर लेके आया हूं, जो कि 2023 का मॉडल है, 2023 का मॉडल है। इसमें काफ़ी सारे लाइट्स आ रहे हैं, ज़रा इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चालू हो चुकी, देख पा रहे हैं स्टेयरिंग का लाइट आ रहा है, ट्रैक्शन का लाइट आ रहा है, उसके बाद एयरबैग का लाइट आ रहा है। एयरबैग का लाइट तो आना लाजिम है क्योंकि इसका हॉर्न जो का बटन है ना, काम नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं प्रेस कर रहा हूँ बट कुछ हॉर्न का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और दूसरा ट्रैक्शन का लाइट आ रहा है, स्टेयरिंग का लाइट आ रहा है, इसकी वजह से ट्रैक्शन का लाइट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको स्कैन करता हूँ, एसी ऑफ कर देता हूँ। ये रही अपना स्कैनर और इधर अपना ओबीडी 2 लग चुका है, तो स्कैनर में पहले स्कैन करता हूँ। मारुति सुजुकी ऑटो स्कैन में जा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ VIN नंबर। तो देख पा रहे हैं मेड इन इंडिया है, स्विफ्ट है, लेकिन बट ये डिज़ायर है। इसमें उल्टा सीधा बता रहा है 2023 का मॉडल है, लेकिन 2023 का मॉडल है लेकिन 2020 बता रहा है। तो इसी में अपन ये कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहा हूँ क्या कोड दिखा रहा है। TCM, ABS, एयरबैग, TPS, पावर स्टेयरिंग, BCM, सब स्कैन हो चुका। तो देख पा रहे हैं 3 फोल्ट आ रहे हैं ABS यानी EPS में, स्टेयरिंग है 3 फोल्ट कोड आ रहा है यहाँ से, तो पूरा फ्री घूम रहा है। और उसके बाद एयरबैग में आ रहा है और TPMS में यानी टायर प्रेशर का ये बता रहा है, उसके बाद पावर स्टेयरिंग में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना एयरबैग में जाता हूँ, क्योंकि मसला एयरबैग से ही हो रहा है सब इसका, क्योंकि क्लॉक रिंग इसका काम नहीं कर रहा है। ट्रबल कोड में जा रहा हूँ, करंट में एयरबैग फर्स्ट स्टेज सर्किट रेजिस्टेंस हाई। तो मेरे को सबसे पहले इसका एयरबैग रिंग खोलना पड़ेगा यानी क्लॉक रिंग। तो क्लॉक रिंग खोलने के लिए मेरे को इसका जो है यहाँ पे एक लॉक दिया है, तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ कर देता हूँ मैं और माइनस स्क्रूड्राइवर ले लेता हूँ। ये साइज की माइनस स्क्रूड्राइवर देख पा रहे हैं, यहाँ इसको दबाना पड़ेगा अपने को। एक निकल चुका, टोटल 3 लॉक दिया है। दूसरा भी निकल चुका, तीसरा भी निकल चुका, एयरबैग बाहर आ चुका है इसका। तो इसका सॉकेट निकालता हूँ और हॉर्न की वायर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों खोल चुका हूँ, अब आपको स्टेयरिंग सीधी कर लेनी है और ये वाली बोल्ट खोल देनी है। तो चलो ये बोल्ट खोलता हूँ मैं, ये वाला मशीन से इजीली अपना खुल जाता है, एक हाथ से भी खोलेंगे तो एक हाथ से भी खुल जाएगा आपका। देख पा रहे हैं खुल चुका, तो अपना स्टेयरिंग अभी सीधी पोजीशन में है। तो ये बोल्ट 18 नंबर का बोल्ट था, खोल दिया इसको। अब अपने को ये वाली जो सॉकेट है, ये वाली सॉकेट खोलनी पड़ेगी।
और स्टेयरिंग निकालने से पहले एक मार्किंग कर दें ताकि वही पोजीशन में आप डाल देंगे तो अलाइनमेंट वगैरह चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं इधर थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ और वो आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हैं मैं मार्किंग कर चुका हूँ इसमें, थोड़ा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये वाला मार्किंग स्क्रैच कर दिया हूँ मैं ताकि अपने को बाद में स्टेयरिंग सीधा है या नहीं है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखो क्या हाल हुआ है क्लॉक रिंग का, ये देख पा रहे हैं टूट चुका है पूरा, पहले ही टूटा हुआ है ये, इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। सॉकेट है ये, देख पा रहे हैं ये पहला केस देखने को मेरे को मिला आज कि ये अंदर ही टूट गया पूरा। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो देख पा रहे हैं ये पूरा सर्किट ही बाहर आ गया है, इसका जो रिंग रहती है ये सर्किट पूरा टूट के निकल चुका है। तो ये कवर खोल लेता हूँ मैं, इसमें स्क्रू रहेगी। यहाँ पे एक स्क्रू दिया है तो ये स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो स्क्रू खोलने के बाद इसको नीचे लेंगे, ये निकल जाएगा। चाबी निकाला नहीं हूँ, चाबी निकाल लिया, निकल गया। अब ये दो स्क्रू रहेगा, दो स्क्रू नहीं भी खोलेंगे तो अपने को, ये नहीं भी निकालेंगे तो टेंशन नहीं है क्योंकि ये दोनों स्क्रू खोलने की ज़रूरत है नहीं उसकी, इधर से एक लॉकिंग निकल जाएगा अपना। तो चलो मैं इधर से ही निकाल देता हूँ इसको। एक सॉकेट ये, बस दो ही सॉकेट है, उसके बाद इसको की लॉक, और सॉरी एक सॉकेट नीचे है। तो उसके बाद निकलेगा, शायद निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा, खोलना ही पड़ेगा मेरे को। तो चलो खोलता हूँ मैं। तो ये दोनों भी खोल दिया और इसको ऊपर ले लेता हूँ, बस ये वाली लॉक की वजह से नहीं निकल रहा था। तो देख पा रहे हैं ये निकल चुका। तो इसमें मैं नया वाला क्लॉक रिंग इंसर्ट कर रहा हूँ, ये रही डब्बा इसका और ये रही न्यू वाला, ये रही न्यू वाला क्लॉक। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ इसमें। बस इतना ख्याल रखना है आपको कि अपन ये जो है ना सीधे पोजीशन में बैठता है, ये जो लॉक किया हुआ रहता है ना तो स्टीयरिंग सीधी रहनी चाहिए और उसके बाद आपको स्टीयरिंग ये एक क्लॉक रिंग बैठाना है। तो चलो ये बैठ चुका अपना, तो स्क्रू लगा देता हूँ पहले ये दोनों। तो दोनों स्क्रू लग चुका, अब अपन सॉकेट लगा देते हैं ये वाली दो और ये एयर बैग वाली, लग चुका सॉकेट। अब नीचे का कवर लगा देता हूँ। तो दोनों हाथ से मेरे को प्रेस करना पड़ेगा इसको। तो फाइनली ये फिटिंग हो चुका, अब इसके ऊपर स्टीयरिंग डाल देता हूँ मैं ये लॉक निकाल करके। तो फाइनली ये लॉक निकाल दिया हूँ, उसके बाद स्टीयरिंग को जो पोजीशन में खोले थे बस वही पोजीशन में डालना है अपने को। तो डालता हूँ मैं, अभी मैं मार्किंग किया था तो टेंशन नहीं, अपन वही इसमें डाल दिए। तो चलो अब इसको मैं बोल्ट लगा देता हूँ। तो फाइनली बोल्ट टाइट हो गया, अब एयर बैग लगा देता हूँ मैं, दोनों सॉकेट लगा करके डाल देता हूँ अंदर। तो अपना दोनों सॉकेट लग चुका, अब इसको अंदर प्रेस करना है अपने को। देख पा रहे हैं हॉर्न की आवाज़ आ रही है आपको, बैठ चुका ये।
तो चलो अब मैं इग्निशन करता हूँ ऑन और देखता हूँ कौन सी लाइट जा रही है, कौन सी लाइट गई। चाबी ये रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं एयरबैग की लाइट तो चली गई, बट अभी ट्रैक्शन और अपना स्टीयरिंग की लाइट नहीं गई है। तो सबसे पहले अपने एयरबैग की जो एयरबैग का रिंग प्रॉपर बैठा क्या नहीं बैठा वो चीज़ चेक कर लेना है अपने को। ये लास्ट पोजीशन में आकर के हॉर्न का बटन दबाना है अपने को, सही है, सही है, ये चीज़ें सही हो गई अपना एयरबैग वाला। तो अब चलो स्कैनर में चलते हैं अपन। जरा मैं फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। तो फाइनली फ्लैश ऑफ हो चुका। तो एयरबैग वाले में जा रहा हूँ मैं, फिर से ट्रबल कोड चेक कर रहा हूँ क्या दिखा रहा है। अभी हिस्ट्री में दोनों दिखा रहा है, तो अब टेंशन नहीं, यहाँ से अपन इसको इरेज कर सकते हैं। सॉरी, यहीं से इरेज करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे इरेज कोड लिखा है ये वाला। तो इग्निशन ऑफ करने बोल रहा है, इंजन ऑफ करने बोल रहा है, इग्निशन ऑन रखने बोल रहा है, तो रख दिया हमें, हो गया क्लियर। अब चलते हैं, एयरबैग वाला फंडा तो ख़त्म हो गया। अब ऑटोमेटिकली TCM वाला भी फंडा, सॉरी TCM वाला नहीं, ये वाला कोई ख़त्म नहीं हुआ। ABS वाले में जा रहा हूँ, स्टीयरिंग वाले में, ट्रबल कोड में जा रहा हूँ। इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर सर्किट परफॉर्मेंस, स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन, यानी कैलिब्रेशन हुआ नहीं है, तो इसको मैं कैलिब्रेशन कर देता हूँ, सेंसर कैलिब्रेशन। क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन सर्विस टू कैलिब्रेशन ऑल द सेंसर यूज द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एट द सेम टाइम आफ्टर रिप्लेस द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। तो चलो इसको करता हूँ ओके मैं। अब कंडीशन क्या बताया, इंश्योर डैट द व्हीकल इज अंडर द कंडीशन बिलो, इग्निशन इज ऑन पोजिशन, इंजन स्टॉप, पार्किंग ब्रेक अप्लाई, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील इन स्ट्रेट, ब्रेक पेडल ऑफ। तो क्या बोल रहा है, इंजन स्टॉप, पार्किंग ब्रेक अप्लाई, यानी पार्किंग ब्रेक जो हैंड ब्रेक होता है वही। तो सब ओके अपना। तो अब इसको ये कर दिया मैं। तो दिस फंक्शन इज एबल बिकॉज GTC इज डिटेक्टेड परफॉर्म्स द फंक्शन आफ्टर क्लियरिंग द डिटेक्टेड DTC। तो सबसे पहले मेरे को ये जो है इरेज करने बोल रहा है, ट्रैवल कोड को इरेज करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अभी करंट में ये आ रहा है, एंगल कैलिब्रेशन सब ये हो गया, इरेज हो गया। अब चलो अब चलते हैं अपन ये वाली फंक्शन में। तो द सेंसर कैलिब्रेट इज कम्प्लीटेड, प्रेस ओके, रिटर्न टू फंक्शन मेन्यू। तो कैलिब्रेशन कम्प्लीट बता रहा है। तो अब फिर से अपन ट्रबल कोड को चेक करते हैं कि कोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कैलिब्रेशन डन हो गया अपना। तो अब कौन सा कोड आ रहा था अपना, और दो चीज़ें आ रही थी, TPMS। ट्रबल कोड चेक कर रहा हूँ पहले, तो सब हिस्ट्री में दिखा रहा है, तो इसको क्लियर कर देते हैं अपन। हो चुका क्लियर। अब बैक जाता हूँ, नहीं आ रहा कोई। अब फिर इसमें पावर स्टीयरिंग में जा रहा हूँ, सॉरी हाँ इधर पावर स्टीयरिंग में देखते हैं कुछ कोड उड आ रहा है। हिस्ट्री में ही रहेगा सब, आई थिंक हिस्ट्री में ही रहेगा, हिस्ट्री में ही है। तो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज हो चुका, अभी कोई कोड नहीं है। तो फ्लैश मैं सबसे पहले इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ, लाइट वगैरह, गाड़ी चालू कर रहा हूँ। देख पा रहे कोई लाइट नहीं है, एक हैंड ब्रेक का है, एक डोर का है और एक सीट बेल्ट का है,
तो गाइस किस तरीके से मैं इसका सब लाइट रिसेट किया और एयरबैग लॉकिंग चेंज करके दिखाया मैं आपको, और ये फॉल्ट भी दिखाया क्या फॉल्ट हुआ था। तो गाइस ये सब चीज़ें ना मैं सिर्फ आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ ना वो चीज़ आप भी सीखो, बस बाकी और कुछ नहीं। तो गाइज आप लोग वीडियो मेरा अगर देख रहे हो ना, अगर चाहते हो कि कुछ ना कुछ सीखता रहूं, तो मैं लेटेस्ट चीज़ें ना अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर चाहते हैं ये चीज़ें तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है ना कोई भी वीडियो बनाओ ना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उस वीडियो को देखें आप, बस बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।